चांद पर जंग लग रहा है दोस्तों, रस्टिंग हो रही है मून की। अब आप बोलेंगे तो क्या बड़ी बात है यार, रस्टिंग हो रही है मून की, तो अगर मैं किसी लोहे की चीज को खुले में छोड़ दूं, बारिश हो रही है, बाहर का मॉइस्चर है, तो जंग लोहे के लग जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि आराम से जंग लग जाता है, क्योंकि जंग लगने के लिए तीन चीजें चाहिए मुझे। मुझे लोहा चाहिए, आयरन, मुझे चाहिए पानी, और मुझे चाहिए ऑक्सीजन। मेरे को ये तीन चीजें चाहिए जंग लगने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर प्योर वाटर है, ये 9th या 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी की साइंस की किताब में दिया हुआ है कि अगर मैं प्योर वाटर के अंदर एक आयरन नेल को, कील को डाल के रखूंगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो अगर हर वक्त पानी में है, वो प्योर है पानी, तो जंग नहीं लगने देगा। लेकिन अगर मैं एक कील को थोड़ा पानी में रखूंगा, आयरन नेल को, और थोड़ा बाहर रखूंगा, तो उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा। धरती पे बात समझ में आती है, तो इसमें ऐसा नया क्या है कि जब चांद पर जंग लगने लगा। आप दोस्तों, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये चांद पे जंग लगने लग गया है दोस्तों, चांद अब पुराना पड़ने लग गया है। बात ये नहीं है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज, ये जो बात है कि हाँ भाई चांद पे जंग लग रहा है, ये पता कैसे चला? तो सबसे गर्व की बात तो ये है कि अपने चंद्रयान 1 का जो M3 एक उस पे पेलोड था। पेलोड क्या होता है? पेलोड होता है जब भी कोई अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करने की चीज लगाई जाती है उसको पेलोड कहते हैं। तो चंद्रयान 1 के ऊपर अपना M3 पेलोड था, मून मिनरोलॉजी मैपर। उसका जब डाटा पढ़ा गया, जब उसके डाटा को, उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन चांद के बारे में दी, जब उसको पढ़ा गया, तो ये पता चला कि चांद के ऊपर जंग लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार इस चीज को इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं, इतना फोर्स लगा के क्यों बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, ऐसा ना, चांद पे वातावरण नहीं है, चांद पे ऑक्सीजन नहीं है। आपने देखे होंगे वीडियोस, उस वीडियो में आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट चांद पे जाते हैं तो वो खुली हवा में ऐसे हाथ फैला के खड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वातावरण, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगर वहां पे ऑक्सीजन है नहीं, चलो पानी की पुष्टि तो अपन ने पहले कर दी थी कि पानी है, और कहा भी जा रहा था कि यही वो एरिया है जहां पे पानी हो सकता है। तो ये तो बात चलो समझ में आती है कि पानी है, और आयरन जो है वो भी पहले से पुष्टि हो चुकी थी कि आयरन है, लेकिन ऑक्सीजन कहां से आया? अब दोस्तों, यहां पे है सबसे बड़ी मिस्ट्री, जो रहस्य की बात है ना, वो यहां पे है। तो जो ऑक्सीजन है, अच्छा उससे पहले एक बात बताता हूं, चांद धरती से तकरीबन 4.25 लाख किलोमीटर दूर है। अब आप बोलोगे मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जिसने ये करामात करी है, वो ऑक्सीजन अपनी अर्थ से मून तक गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गया? तो देखो, बहुत ही एक मिस्टीरियस मैजिकल दुनिया है दोस्तों, ये यूनिवर्स जो है, इसमें पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के बारे में कि हुआ क्या कि चांद पे पहुंच गया धरती से ऑक्सीजन और वहां पे रस्टिंग शुरू कर दी। यानी अगर चांद पे जंग लग रहा है तो उसका जिम्मेदार धरती को ठहराया जाएगा। ठीक है, होता क्या, अब ये देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लो, आप पहले इस फोटो को देख लो, ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। ठीक है, होता क्या है, अर्थ जो है, जो अपनी धरती है, वो एक मैग्नेट है। ठीक है, उस मैग्नेट, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको दोस्तों, ये लाइनें उस मैग्नेट की फील्ड, उसका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर वो मैग्नेट बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो जब सूरज अपनी साइड से धक्का मारता है किसको, जो इसके अंदर सोलर फ्लेयर होते हैं, जो हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सूरज छोड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन में आता है हाइड्रोजन। ठीक है, सूरज अथाह भंडार है इसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि जब तक ये है सूरज पे तब तक सूरज है, जिस दिन ये खत्म हुआ ना हाइड्रोजन, सूरज खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो बाद की बात है, वो दूसरी चीज है, वो अपन अभी बात नहीं कर रहे। तो सूरज जब इस हाइड्रोजन को फेंकता है तो ये जो मेरा चांद है, जिसका रोशन चेहरा है, ये जब यहां पे कहीं पे है, कहां पे, यहां पे है, या यहां पे है, या यहां पे है, या यहां पे है, धरती के पीछे नहीं है और इस एरिया में है, तो यहां पे चांद को बचाने के लिए धरती का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं है।
तो होता क्या है, होता यह है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने चांद के ऊपर सूरज फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, और चांद के ऊपर हाइड्रोजन गिरे जा रहा है। ठीक है, हुआ क्या, हाइड्रोजन जो है वो जो है आयरन को, मेरे पास दूसरा क्या है, आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, आयरन रिड्यूस होगा, अगर रिड्यूस होगा तो रस्ट नहीं बन सकती, रस्टिंग नहीं हो सकती, आयरन रिड्यूस होगा। इसका मतलब अगर मेरे को रस्टिंग चाहिए तो हाइड्रोजन से तो मेरे को बचाना है और ऑक्सीजन मेरे को पहुंचाना है। तो अगर दोस्तों तुम देखोगे यहां पे, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ठीक है, अब देखो यहां पे, तो ये जो पार्ट है, जिस पार्ट में अभी चांद है, तो जब सूरज से जो किरणें आ रही है, मान लो जो किरणें आ रही है, जो पार्टिकल आ रहे हैं, उन पार्टिकल को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से घुमा देता है। यानी ये वो रीजन है जहां पे जब मून आता है, पहुंचता है, तब वो सूरज से बच जाता है, और सूरज के जो हाई एनर्जी पार्टिकल हैं जो यहां से निकल रहे हैं, जिनमें बहुत एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, ये मान लो दोस्तों इनकी स्पीड ऐसी होती है कुछ मिलियन माइल्स पर आवर, मिलियन माइल्स पर आवर, यानी 10^6, 10,00,000 किलोमीटर माइल पर आवर टाइप की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से पार्टिकल आते हैं। तो जो अर्थ का एटमोस्फेयर है, उस एटमोस्फेयर में से ऊपर ऊपर की साइड से जो ऑक्सीजन है उसको धक्का लगता है, और वो धक्का इतना तगड़ा होता है कि वो धक्का घूमते घूमते चांद तक पहुंच रहा है, इट इज रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून। अब आप बोलोगे यार लेकिन जब चांद घूम रहा है तो ये तो बहुत छोटा सा टाइम है जब धरती के पीछे होगा। हाँ छोटा सा टाइम है दोस्तों, बहुत छोटा सा ड्यूरेशन है जब धरती के पीछे है, लेकिन ये हो कब से रहा है, करोड़ों सालों से हो रहा है ना, मतलब एस्टिमेशन ये है कि बिलियन ईयर से ये काम चल रहा है। धरती के ऊपर ऑक्सीजन कहां से आया, धरती के ऊपर ऑक्सीजन आया फोटोसिंथेसिस से, यानी जो फोटोसिंथेसिस धरती पे हो रहा है उसका रिजल्ट मेरे को चांद पे भी दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो रस्टिंग ऑफ मून की जो बात है कि चांद के ऊपर जंग लग रहा है, उसके ऊपर और नीचे की ये जो पोल है यहाँ पे जंग लग रहा है, इसमें सबसे जो अचंभे की बात है वो ये है कि चांद पे जंग लग नहीं सकता क्योंकि उसमें वातावरण नहीं है। तो दोस्तों वातावरण नहीं है बात सही है, लेकिन जंग क्यों लगा, जैसा मैंने आपको बताया जंग लगने के लिए तीन चीजें चाहिए, पानी, ऑक्सीजन और लोहा, आयरन, जंग तो उसी पे लगेगा ना। तो लोहा चांद पे है, इसकी पुष्टि पहले हो चुकी है, जो पानी है वो चांद पे है, और चांद के पोल पे जो पानी है वो बर्फ के जैसे उन छोटे छोटे एरियाज में इकट्ठा हो रखा है जहां पे कभी सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, वो एक अलग चीज है। अभी अपन इस बात को इस वीडियो में मान के चल रहे हैं क्योंकि उसका डेटा नासा ने, अपने इसरो ने, बड़े बड़े जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इनमें वो डेटा दिया है कि हाँ पानी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर पानी भी है और लोहा भी है तो बिना ऑक्सीजन के, और अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है तो जंग नहीं लग सकता। तो जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए नाम है दोस्तों, इसका नाम होता है मैग्नेटो टेल, टेल यानी पूछ, मैग्नेटो, मैग्नेट की पूंछ दिख रही है ना, लंबी पूंछ जो चल रही है। तो जब जब चांद धरती के इस रीजन में आता है, धरती के पीछे आ जाता है, सूरज से बच जाता है, तो धरती का जो ये मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो पूंछ है जिसके अंदर चांद आ जाता है, वो चांद को सूरज से तो बचाता ही है, धरती का जो ऑक्सीजन है सूरज का धक्का पड़ के चांद पे पहुंच जाता है। ये कारण है कि चांद पे जंग लगनी चालू हो गई है, द मून इज रस्टिंग। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही शानदार शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नॉलेज को बांटो, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन तुम बच्चों तक, तुम दोस्तों तक पहुंचता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।